आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे लोग जिनकी टांग बहुत ही लंबी है तो किसी का शरीर बहुत ही छोटा है, किसी की बॉडी पूरी फ्लेक्सिबल है। इन लोगों की शारीरिक विशेषता और इनके स्किल हमारे दिमाग को हैरान कर देगी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको महसूस होगा कि इंसान कितने अद्भुत हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अफशीन इस्माइल सबसे छोटी व्यक्ति हैं और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है। 20 साल की उम्र में ये युवा ईरानी आधिकारिक रूप से एक रिकॉर्ड होल्डर भी बन चुके हैं। ये 65 सेंटीमीटर लंबे और इनका वजन 6.5 किलोग्राम है। आपको बता दूं कि जन्म के दौरान इनका वजन सिर्फ 700 ग्राम था। अब क्योंकि ये बहुत ही छोटे थे तो इन्हें हॉस्पिटल में देखभाल की आवश्यकता होती थी और इसी कारण से इनको स्कूल छोड़ना पड़ा और घर पे ही पढ़ाई करनी पड़ी। इन्हें बहुत सी चीजें पसंद है जैसे कि फुटबॉल और डांस करना। अपने छोटे से साइज के कारण ये दुनिया भर में फेमस हो जाती हैं और इसका रीजन आपको पता होगा, अरे भाई सोशल मीडिया। लेकिन इनकी एक शिकायत ये भी है कि लंबे समय तक फोन का इस्तेमाल करना इनको थका देता है। और एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने बताया कि उनकी दो बड़ी इच्छाएं हैं, अपने माता पिता की हेल्प करना और कार चलाना सीखना। मैं आशा करता हूं कि ये दोनों ही पूरी कर सकें। दोस्तों, आपके अनुसार इतिहास का सबसे लंबा आदमी कौन है? शायद इन लोगों में से एक। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि रॉबर्ट वार्डलो हैं, जो कि दिखने में विशेष रूप से असाधारण नहीं लगते थे। 1918 में पैदा हुए रोबोट को उनके पिट्यूटरी ग्लैंड में समस्याएं थी, जो कि इंसानी दिमाग का एक पार्ट है। दिमागी परेशानी की वजह से ये जीवन भर लगातार इनका साइज बढ़ता ही रहा। दुख की बात तो ये है कि 22 साल की उम्र में पैर में हुए एक ब्लड इन्फेक्शन के कारण उनका निधन हो गया। उस समय उनका वजन 199 किलोग्राम था और वो 272 सेंटीमीटर की रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऊंचाई पर थे। अपने विशाल कद काठी के बावजूद रोबोट अपने दयालु व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे और उन्हें द जेंटल जायंट के नाम से दुनिया भर में जाना जाता था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, अत्यधिक लंबाई अक्सर हार्मोनल समस्याओं से जुड़ी होती है। लेकिन दोस्तों, रोबोट के समय पर चिकित्सा इन समस्याओं का प्रभावी रूप से इलाज नहीं कर सकती थी। सौभाग्य से आज के लंबे लोगों को विशेष इलाज मिलता है जो कि उनकी ग्रोथ को सीमित करते हैं। यही रीजन हो सकता है कि रॉबर्ट का रिकॉर्ड आज भी कायम है। अब इस महिला को देखो, ये विश्वास करना काफी कठिन है कि कोई अपने नाखून इतने लंबे भी कर सकता है। ये महिला अद्भुत दिखती है, जैसे कि ये किसी फैंटेसी फिल्म से निकली हो। मिनेसोटा की डायना आर्मस्ट्रांग ने अपने नाखूनों को 25 साल से अधिक समय तक बढ़ाया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई। उनका सबसे लंबा नाखून दाएं अंगूठे पर है और लगभग 140 सेंटीमीटर लंबा है। डायना के लिए नाखून बढ़ाना केवल ट्रेंड या रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में नहीं है। वो कहती हैं कि ये उनके जीवन की कहानी और अपने बच्चों को खोने के बाद डिप्रेशन से निपटने का तरीका है। समय के साथ साथ उन्हें परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि अनजान लोगों से भी हेल्प मिलने लगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी जीभ की प्रिंट्स भी आपकी उंगलियों की फिंगरप्रिंट्स की तरह विशेष होती है? खैर, इस लड़की की जीभ एक और कारण से खास है। इसका नाम है चार्लिना एक्विनो और ये सोशल मीडिया पर अपनी बहुत ही लंबी जीभ दिखाने के लिए काफी फेमस है। ये अपनी जीभ से अपनी नाक को बड़ी आसानी से छू सकती है, यहाँ तक कि अपनी आंखों तक भी पहुँचा सकती है। चार्लिना मजेदार वीडियोस बनाती हैं जिसमें संगीत के साथ अजीब कला दिखाती हैं। अब लोग अलग अलग तरह से कमेंट्स भी देते हैं। कुछ लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं जबकि अन्य को ये बड़ा ही अजीब लगता है। दुख की बात तो ये है कि विश्व प्रतिभा संगठन के अनुसार सबसे लंबी जीभ का आधिकारिक विश्व रिकॉर्ड किसी और के पास है, जिसकी जीभ 9.75 सेंटीमीटर लंबी है। लेकिन हमें लगता है कि चार्लिना उसे कड़ी टक्कर आगे जाके दे सकती हैं। बेंडिंग का मास्टर या असली जीवन का मिस्टर फैंटास्टिक, इस आदमी के कई उपनाम हैं। लेकिन दोस्तों, इसकी कला मजाक नहीं है। आपकी स्क्रीन पर आप जिस बंदे को देख रहे हो, इन्होंने खुद से ही एक्रोबेट सीखा है और जिस तरह से वो अपने शरीर को नियंत्रित करते हैं वो अद्भुत है। वो कहते हैं कि मैं जन्म से ही लचीला था, लेकिन उन्होंने बहुत सारे अभ्यास से सुधार किया। दरअसल बात ये है कि इनके पास कभी भी कोई भी अच्छे कोच या फिर प्रशिक्षण योजनाएं नहीं थी। उन्होंने बस अपने दिल की सुनी और मार्शल आर्ट फिल्मों को देख देख कर ये सब सीख लिया। आपको जानकर और देख कर हैरानी हो सकती है कि इसके शरीर की हर मांसपेशी और बॉडी के जॉइंट्स ठीक वही काम करते हैं जो कि ये करवाना चाहता है। और इस बंदे की शानदार वीडियोस की वजह से इसके दुनिया भर में फॉलोवर्स हैं। दोस्तों, कोरी बेनेट एक शानदार व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसे वीडियो से लोगों को हैरान कर दिया है, जहां वो सोडा कैन और अन्य चीजों को तोड़ते हैं। लेकिन पागलपन की बात तो ये है, वो चीजों को तोड़ते ही अपने कंधों से हैं। ये एडिटिंग वीडियो या फिर कोई जादू नहीं है। आपको बता दूं कि कोरी का जन्म बिना कॉलर बोन्स के साथ हुआ था, जो कि एक डिसऑर्डर है जिसे क्लेडियोक्रैनियल डिस्प्लेसिया कहते हैं। इसीलिए वो अपने कंधे को इस तरह से मिला सकते हैं जैसा कोई और नहीं कर सकता।
दोस्तों जैमी कीटन असली जीवन के सुपर हीरो हो सकते हैं। वो अपनी अनोखी क्षमताओं से दुनिया भर को बचाने के लिए तैयार हैं। हमें नहीं पता कब और कैसे, लेकिन उनकी शक्तियों की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि सुपर हीरो फिल्मों में इसे संभव दिखाया गया है। जैमी अपनी स्किन के विशेष गुणों के कारण वस्तुओं को अपने शरीर से चिपका सकते हैं। डॉक्टरों ने इनके ऊपर की गई रिसर्च में ये पाया कि उनकी स्किन सामान्य लोगों से 23% अधिक ऑक्सीजन खींचती है, जिससे कि एक दबाव अंतर बनता है जो कि चिकनी वस्तुओं को उनसे चिपका देता है, जिससे कि ऐसा लगता है कि उनकी स्किन उन्हें खींच रही है। सौभाग्य से जैमी ने अपनी इन विशेषता का फायदा उठाया और टीवी शो में दिखाई दिए और एक मनोरंजनकर्ता के रूप में भी काम किया है। दोस्तों इस ब्राजीलियन युवा का लुक भूलना बहुत ही मुश्किल है। मिलियो टियो चिको ब्राजील से, जो कि कई प्रतिभाओं वाली व्यक्ति हैं। वह वीडियो गेम इंडस्ट्री में काम करती हैं, ड्रम बजाते हैं और एक डीजे भी हैं। लेकिन इसके अलावा भी इनके पास एक खास चीज है, दुनिया की सबसे अद्भुत आंखें, जो कि 18.2 मिलीमीटर तक बाहर आ सकती है। इनकी इसी प्रतिभा की वजह से जनवरी 2022 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इन्होंने अपना नाम लिखवा लिया। इन्होंने 9 साल की उम्र में आईने में मजेदार चेहरा बनाते हुए अपनी इस अनोखी कला को खोजा था। शुरुआत में उनके माता पिता चिंतित थे, लेकिन बाद में ये सुरक्षित पाया गया। जब वो अपनी आंखों को बाहर निकालते हैं तो उन्हें कुछ सेकंड्स के लिए साफ दिखाई देना बंद हो जाता है और फिर धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। दोस्तों ये अपनी आंखों को 20 से 30 सेकंड तक बाहर रख सकते हैं और प्रदर्शन के दौरान सूखापन रोकने के लिए आई ड्रॉप्स का उपयोग करते हैं। दोस्तों इस इंसान के पैर आम इंसानों के पैरों से काफी ज्यादा बड़े हैं और इस व्यक्ति की यही पहचान भी है। इनका नाम है जेसन ऑरलैंडो रोड्रिगेज हर्नांडेज और वेनेजुएला के रहने वाले हैं, जो कि एक सुपर लंबा व्यक्ति है। वे धरती पर सबसे लंबे लोगों में से एक हैं और 2014 में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसलिए दिया गया क्योंकि उस समय पर ये देखा गया कि इनके पैर आम लोगों की तुलना में बहुत ही बड़े हैं। इनके पैर 40 सेंटीमीटर लंबे और ये एक अजीब साइज 26 है। जेसन की ऊंचाई भी दिल दहला देने वाली है, 2 मीटर और 30 सेंटीमीटर। इसकी वजह से उनके शरीर में एक समस्या भी है, जो कि ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। खैर दोस्तों इनकी ये कमजोरी उन्हें बहुत सारे टीवी और विज्ञापनों में काम के साथ साथ खूब पैसा भी दिलाती है। दोस्तों टेक्सास की मैसी कुरेन सिर्फ 17 साल की उम्र में विश्व की सबसे लंबे पैरों के रिकॉर्ड होल्डर बन गई हैं और ये रिकॉर्ड अचीव करने में इनकी सहायता करता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर फेमस होने के बाद जब वो 21 साल की हुई तब उन्होंने स्टारडम प्राप्त किया। मैसी की ऊंचाई 208 सेंटीमीटर है और पैरों की लंबाई लगभग 137 सेंटीमीटर थी। हालांकि दोस्तों उनका असाधारण रूप अपनी अलग चुनौतियों के साथ आता है, जैसा कि समाज में लोग अलग नजरों से देखते हैं और फिर कपड़े ढूंढना जो कि उन्हें फिट हो जाएं। लेकिन इन सब के बावजूद सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियोस ने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया और इन्होंने अपनी अनोखी दिखावट और व्यक्तित्व से लोगों का दिल जीत लिया। आज के समय में मैसी एक सामाजिक संदेश लेकर दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम है, जो कि उन्हें एक वास्तविक आदर्श और प्रेरणा स्रोत बनाती है। तो दोस्तों ये थे वो कुछ लोग जिनको पहली बार कोई देखे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाएगा। आप कमेंट में बताओ कि आपको इनमें से कौन से व्यक्ति सबसे अद्भुत लगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।